हेलो दोस्तों, स्वागत एक बार फिर आपका डेटा फ्लेयर वेब प्रोग्रामिंग के इस फ्री कोर्स में, जहां बात हम कर रहे हैं सीएसएस के बारे में। और अभी तक हमने सीएसएस के टाइप्स को डिस्कस किया, इनलाइन के कॉन्सेप्ट हमने देखे, इंटरनल के कॉन्सेप्ट हमने देखे, एक्सटर्नल के कॉन्सेप्ट देखे। मतलब अभी तक हमने बेसिक कॉन्सेप्ट ये पढ़ लिए कि बॉस तीन तरीके से हम अपने पेज पे या हमारे एचटीएमएल प्रोजेक्ट में सीएसएस को अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पर हम वन बाय वन सीएसएस की प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। जैसे आज हम बात करते हैं बैकग्राउंड कलर की, ठीक है, कलर एंड बैकग्राउंड कलर को हम कैसे चेंज करेंगे यूजिंग सीएसएस। और आप देखिए, तीनों में से आप किसी भी टाइप ऑफ सीएसएस को यूज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे यहां पर अभी हम चूंकि बात कर रहे हैं, तो हम सिंपल डेमो एक क्रिएट करते हैं, जहां पर हम ये देखते हैं कि किस तरीके से हम सीएसएस को यूज करके बैकग्राउंड कलर चेंज करेंगे या फॉन्ट कलर चेंज करेंगे। ओके, तो लेट्स सी, यहां पर हम बात करते हैं टेस्ट कलर डॉट एचटीएमएल की, ठीक है। और यहां मैं क्रिएट करता हूं एक एचटीएमएल का पेज, दिस इज एचटीएमएल स्लैश एचटीएमएल, और इस पर हम कुछ टेक्स्ट ले लेंगे, ठीक है, एंड दिस इज हेड एंड स्लैश हेड, ठीक है, एंड देन टाइटल स्लैश टाइटल, और ये हमने ले लिया सपोज डेमो कलर, ठीक। और यहां पर अब मुझे सॉरी स्लैश एचटीएमएल, और यहां पर मैंने लिया सपोज बॉडी टैग, ठीक है, बॉडी और स्लैश बॉडी। तो यहां पर अगर सपोज मैंने कुछ यहां पे टेक्स्ट लिया हुआ है जो कि सीएसएस से ही रिलेटेड है ना, अपन इसको कॉपी कर लेते हैं और मैं यहां पर इसको पेस्ट कर देता हूं। और अभी मैं फिलहाल इसका इफेक्ट देखता हूं, नो डाउट मुझे बिल्कुल ये सिंपल फॉर्मेट में टेक्स्ट दिखेगा, ठीक है। और फिर अब हम इसमें चेंजेस करने की बात करते हैं। तो लेट्स सी, अगर मैं इसको डिफॉल्ट ब्राउजर पे देखता हूं तो ये कुछ इस तरीके से मुझे इफेक्ट आ रहा है, व्हिच इज अ वेरी सिंपल टेक्स्ट फॉर्मेट डेटा। लेकिन अब यहां पे यदि मुझे इसकी फॉन्ट कलर चेंज करना है, फॉन्ट स्टाइल चेंज करना है, ठीक है, या मुझे बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, अभी हम कलर की बात कर रहे हैं रादर देन फॉन्ट, तो यदि मान लो मुझे इसके फॉन्ट को लेके सॉरी कलर को लेके इस पे सीएसएस अप्लाई करना है, तो यहां पर आप देखिए सबसे पहले हम इसको पैराग्राफ टैग में डिवाइड करते हैं। तो ये मैंने एक पी टैग ले लिया यहाँ पे, दिस इज माई पी टैग पैराग्राफ टैग, और एक पैराग्राफ हमने ये ले लिया, दिस इज स्लैश पी, ठीक है, समझना ध्यान से, और सेकेंड पैराग्राफ हमने ये ले लिया पी, और इसको राइट वंस को भी मैं यहीं पे ले लेता हूं सपोज इसी पैराग्राफ में, हम दो पैराग्राफ की बात करते हैं, ठीक है, और ये मेरा सेकंड पैराग्राफ, इसको भी मैंने क्लोज कर दिया स्लैश पी के साथ, ठीक। तो अब ये कम से कम मुझे थोड़ा सा कुछ इस तरीके से इफेक्ट देगा कि देयर आर टू डिफरेंट पैराग्राफ्स इन अ सिंगल पेज। ओके, अभी आप नो डाउट कंटेंट को फोकस ना करके कॉन्सेप्ट की बात करें। अब देखिए, आप हमने पढ़ा था एक कॉन्सेप्ट इनलाइन, तो यदि मुझे यहां पे स्टाइल देना है, ठीक है, तो हमने क्या किया, हियर वी कैन यूज स्टाइल टैग। और यहां पर आप देखिए स्टाइल टैग की जो प्रॉपर्टी की हम बात कर रहे हैं, सबसे पहले कलर, तो कलर का जो इफेक्ट है आप समझिए, दो तरीके से हम एचटीएमएल में कलर को यूज कर सकते हैं, या तो हमारे पास जो कलर ऑप्शंस हैं हम इनको यूज करें, ब्राउन ब्लैक ब्लू, ठीक है, ये सारे कलर हमारे पास ऑप्शंस हैं, या मेरे पास सेकंड ऑप्शन ये है कि मैं यहां पे एचटीएमएल के कलर कोड को भी यूज कर सकता हूं, ठीक है। एचटीएमएल कलर कोड मतलब कि यदि आप दो तरीके से इसको यूज कर सकते हैं, सबसे सिंपल तरीका यह है कि आप गूगल में जाके सिंपली यू कैन टाइप एचटीएमएल कलर कोड्स, ठीक है, एंड यू कैन गेट दिस वेबसाइट एचटीएमएल कलर कोड, और यहां से आपको जो भी कलर चाहिए यू कैन जस्ट सेट द कलर। फॉर एग्जांपल मैंने बोल दिया कि बॉस मुझे ये कलर चाहिए, ठीक है, दिस इज द कलर, तो इस कलर को जस्ट यहां से कॉपी करिए, और कॉपी करके आप इसको अपने कलर प्रॉपर्टी के साथ यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने बोल दिया फॉन्ट कलर इक्वल टू दिस, राइट, तो ये सॉरी स्टाइल कलर इक्वल टू दिस, अभी हम स्टाइल की बात कर रहे हैं, कलर की बात कर रहे हैं। सिमिलरली यदि मुझे बैकग्राउंड कलर, देखिए आप, अब मैं अगर अच्छा ये एक स्टाइल हमने ले ली, सेकंड हमने सेकंड पी में स्टाइल टैग ले लिया सपोज स्टाइल, और यहां पर मैंने लिख दिया अगेन कलर इक्वल टू सपोज इसको मैं लिख देता हूं सिंपल रेड। ओके, सो नाउ यू विल गेट दिस टू डिफरेंट कलर इन अ पेज, ये देखिए, ठीक है, अब दोनों का इफेक्ट ऑलमोस्ट सेम आ रहा है, तो हम एक काम करते हैं, इस कलर को ऑरेंज ना लेके थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, ठीक है, इसका पी टैग यहां क्लोज करते हैं, दैट्स व्हाई, ये देखिए मैं इसको पी टैग को क्लोज करता हूं, या राइट, एंड दिस इज माय सेकंड पैराग्राफ, तो ये कलर अब आप देखिए, यू कैन गेट दिस कलर इफेक्ट। ओके, पी स्लैश पी हमने यहां पे क्लोज किया है, और इसको मैं थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं, अपन इसको रेड ना लेके इस कलर को हम चेंज कर देते हैं, इस कलर सपोज मैंने ले लिया ब्लू, ठीक है, सो लेट्स, या देखिए
नाउ यू कैन गेट टू डिफरेंट कलर, वो सिमिलर कलर आ रहे थे इसलिए मैं इफेक्ट नहीं समझ में आ रहा था, राइट right. तो यहां पर अगर आपको किसी भी टेक्स्ट का कलर चेंज करना है, सो हियर वी हैव एन ऑप्शन दिस वन, राइट. और अभी मैं फिलहाल यहां पे इनकी फॉन्ट स्टाइल भी चेंज कर सकता हूं, ठीक है, क्योंकि अगर आपको टेक्स्ट छोटे दिख रहे हैं तो यू कैन ऑल्सो चेंज द फॉन्ट स्टाइल, लेकिन फिलहाल अभी हम बात कर रहे हैं कलर की. सिमिलरली आप देखिए यहां पर अगर मुझे इसी का, यहां पर मैंने मान लो एक हेडिंग दी कि दिस इज सी एस एस डेफिनेशन, ठीक है, ये सी एस एस डेफिनेशन. अभी सी एस एस डेफिनेशन को भी मुझे स्टाइल में लेके आना है, ठीक है, आई वॉन्ट दिस सी एस एस डेफिनेशन, तो यहां पर हमने पी टैग लिया, ठीक है, पी और स्लैश पी में हमने इसको डिफाइन किया, एंड हियर अगेन आई एम गोइंग टू यूज इनलाइन टैग स्टाइल, ठीक है, और स्टाइल एट्रीब्यूट, सॉरी स्टाइल एट्रीब्यूट में, चलो मैं इसको थोड़ा सा फॉन्ट साइज बढ़ा देता हूं, 12 कर दिया, ओके, एंड देन आफ्टर यहां पर अगर मैं इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करता हूं, इफ आई एम गोइंग टू चेंज बैकग्राउंड कलर, तो बैकग्राउंड कलर सपोज मैंने ले लिया इसका, ओके 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 दिस वन, ठीक है, और आप अपने हिसाब से इसको चेंज कर सकते हैं, यदि थोड़ा सा लाइट कलर आपको लग रहा है तो वी कैन गो विद द लिटिल बिट डार्क कलर, मैं इसको वायलेट ले लेता हूं, राइट. सो अब मैं अगर इसको इफेक्ट देखता हूं तो दिस विल लुक समथिंग लाइक दिस, ये देखिए पूरा का पूरा कलर बैकग्राउंड चेंज हो चुका है, ठीक है, एंड दिस इज बिकॉज ऑफ दैट कि हमने यहां पे इसको मैं फॉन्ट स्टाइल 40 कर देता हूं, तो थोड़ा सा आपको तो यहां पर इसके भी फॉन्ट आप चेंज कर दीजिए, ठीक है, जो हमने सी एस एस लिखा इसका भी मैंने फॉन्ट अगर चेंज कर दिया, फॉन्ट साइज सपोज मैंने कर दिया इसका 20, ठीक है, एंड इसका भी मैंने फॉन्ट साइज कर दिया सपोज 20, एंड सेमी कॉलन, द सेकंड प्रॉपर्टी आपको यूज करना है जस्ट टू सेमी कॉलन एंड फॉन्ट प्रॉपर्टी. तो नाउ इफ आई एम गोइंग टू सी द इफेक्ट, मतलब क्या कर रहे हैं हम, समझ में आ रहा है आपको, कभी भी आपको अपने पेज पे किसी भी टेक्स्ट का कलर या बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, ओके, सो हियर वी आर गोइंग टू ट्राई टू चेंज द कलर एंड बैकग्राउंड कलर ऑफ द टेक्स्ट, राइट. तो यहां पर आपको कलर बैकग्राउंड कलर चेंज करने के लिए आई होप कॉन्सेप्ट आप समझ पा रहे हैं कि किस तरीके से हम कलर बैकग्राउंड कलर चेंज कर रहे हैं. स्टाइल में वी हैव अ टू प्रॉपर्टी, वन इज कलर, सेकेंड इज बैकग्राउंड कलर. फॉन्ट अभी हम स्पेसिफिकली फॉन्ट की बात करेंगे, यहां केवल फॉन्ट को मैंने साइज इसलिए बढ़ाया है ताकि आपको ये इफेक्टिव फॉर्मेट में डिस्प्ले हो सके. So see this one, now you will get this CSS definition, okay, and this is what the color change effect. यदि आपको लगता है आपको body का भी background color change करना है, so again you can go to this style property. Style में जाके यहाँ पर मैंने फिर से property use की background color, और अभी इस background color को suppose मैंने ले लिया, अगर I'm going to take some color, sorry, अभी calci का मैं आपको concept बाद में बताता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर suppose मैंने color ले लिया ये color. Very good. This effect is something like this. ये देखिए. So how to change the color, how to change the background color using CSS? ये simple concept. I hope आप समझ पा रहे हैं कि यहाँ पर हमने कुछ paragraph tag लिए और इस paragraph tag में हमने style change कर दी. Similarly एक tag हमने पढ़ा था, if you remember, span tag. देखिए आप. यदि मैं इसको लिखता हूँ span और suppose इतना definition मैंने ले लिया slash span के बीच. ठीक है. मतलब इसको मैं next line पे ले लेता हूँ. Sorry. ये span, ठीक, और ये हमने ले लिया slash span, ठीक. तो आप देखिए ये जो data है defined in the head section using HTML, ठीक, ये हमने एक ठीक है text तो जो भी है, ओके, ये देखिए आप, ये जो आपका data है defined, ये मुझे थोड़ा सा different format में चाहिए, ठीक है, जो हमने लिखा है defined head section of the using style tag, तो यहाँ पर आप span को जाके बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हैं. हियर अगेन यू हैव टू यूज स्टाइल टैग, और स्टाइल में हमने लिख दिया बैकग्राउंड कलर, और बैकग्राउंड कलर मान लो मैंने यहां पर चेंज करके कर दिया ऑरेंज, ठीक है, एंड देन आफ्टर अब अगर आप इसका इफेक्ट देखेंगे तो नाउ यू विल गेट दिस इफेक्ट. सी दिस वन, अगर आपको कोई डेटा पर्टिकुलर हाईलाइट करना है, ठीक है, इफ यू वांट टू हाईलाइट, क्योंकि अगर आप पैराग्राफ टैग को यूज करेंगे तो इट विल बी द न्यू पैराग्राफ, तो यहां पर हमने क्या यूज किया स्पैन टैग, एंड स्पैन टैग में हमने बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टी चेंज कर दी. Even though if you want to change the foreground color, ठीक है, अगर आपको इसका foreground color change करना है, तो you can just go to this color property और color में जाके, मान लो मैंने इसको aqua कर दिया, तो अब ये आपको बिल्कुल ही अलग effect दिखेगा, this is one, ये देखिए आप, अलग ही highlight हो रहा है, define the head section. तो in this way we can change the background color, color, okay? और यहाँ पर आप ध्यान से समझिए कि ये जो मैंने अभी लिखा है, this is actually RGB concept, red, green, blue, जिसको मैं आगे आपको explain करूँगा कि how to what is the meaning of this red, green, blue, क्योंकि ये color codes होते हैं, जैसे हर अगर आप Java को use करेंगे तो Java के अपने color codes हैं,
HTML अपने कलर कोड को यूज करता है, राइट। तो यहां पर हम कलर को यूज कर सकते हैं, ठीक। एंड यहां पर हमारे पास कलर चेंज करने की एक प्रॉपर्टी कलर प्रॉपर्टी में भी है। हियर वी कैन ऑल्सो गो विद दिस ऑप्शन। यहां पर देखिए, अब लास्ट में वी हैव दिस कलर बॉक्स, यहां से भी हम अलग अलग कलर चेंज कर सकते हैं, जिसको हम आगे बात करेंगे कि कलर फंक्शन को भी यूज करके वी कैन ऑल्सो चेंज द कलर। ये देखिए, तो ये मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूंगा। अभी इस स्टेप में हमने ये बात की है कि यदि आपको HTML कलर कोड यूज करना है तो आप सिंपली गूगल पे जाके, ठीक है, यहां पर सिंपली टाइप कर दीजिए HTML कलर कोड्स, ठीक है, एंड देन आफ्टर द फर्स्ट वेबसाइट, और यहां से आप जो भी कलर सिलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, जो भी कलर आप यहां पे लेना चाहते हैं, सपोज मैंने ये ब्राउन कलर ले लिया, तो जस्ट कॉपी दिस हेक्साडेसिमल, क्योंकि एवरी कलर इज एक्चुअली एन हेक्साडेसिमल नंबर, तो मैंने इसको कॉपी किया, और कॉपी करके हमें जहां भी ये कलर प्रॉपर्टी चाहिए यू कैन जस्ट पेस्ट। तो अब इसके बाद अगर मैं इसको रन करके देखता हूं, अब देखिए जहां पर हमने इसको पेस्ट किया है उसका इफेक्ट कहां पर आ रहा है ये देखना पड़ेगा हमें। स्टाइल, ओके, बैकग्राउंड कलर एंड कलर, तो वो बैकग्राउंड कलर के कारण आपको कलर इफेक्ट शो नहीं होगा, तो इसकी बैकग्राउंड स्टाइल प्रॉपर्टी को फिलहाल हटाता हूं। कलर को हमें कुछ इस तरीके से टेक्स्ट में लेना पड़ेगा इनसाइड द डबल कोट्स। ये देखिए, नाउ यू कैन गेट दिस वन। इसको आप देखिए, आपको ये डिफरेंट कलर में शो हो रहा है, सो दिस इज बिकॉज ऑफ दैट द कलर प्रॉपर्टी जो मैंने HTML कलर कोड को यूज करके बनाई है। तो यदि आपको कलर को लेके कोई एप्लीकेशन डिजाइन करनी है या कलर पे अगर आप वर्क कर रहे हैं, तो हाउ टू चेंज द कलर बैकग्राउंड कलर यूजिंग CSS, I hope you can understand. It's a very simple concept. केवल आपको समझना है और practical implementation के साथ इसको करके देखना है। तो step by step, जैसे अभी हमने color, background color की बात की, color की बात की, ठीक है, HTML color code को हमने discuss किया, and then after, अब हम next step में बात करेंगे, इसी concept में font style किस तरीके से change करना है, border style किस तरीके से change करना है, okay? बस आपको बने रहना है, practical करते रहना है, और यदि video पसंद आ रहे हैं, तो प्लीज दोस्तों के साथ शेयर भी करना है। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया है कि किस तरीके से हम कलर को यूज कर सकते हैं, बैकग्राउंड कलर को यूज कर सकते हैं यूजिंग CSS। तो बने रहिए इस कोर्स में, क्योंकि आगे अभी हम ऐसे ही और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को डिस्कस करने वाले हैं। बने रहिए, प्रैक्टिकल करते रहिए और खुश रहिए, ठीक है। चलिए, तो करते हैं मुलाकात। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।